आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आई कोलेस्ट्रॉल की रेमेडीज। आई कोलेस्ट्रॉल जो हमारे को संकेत देता है कि भाई हमारा हार्ट भी ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है और हमारी सुंदरता को भी ये खराब करता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में धीरे धीरे जमा होने लगता है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है, यानी हमारे हार्ट के लिए भी खतरा बन सकता है कि हमारा दिल भी स्वस्थ नहीं है। इसलिए आई कोलेस्ट्रॉल को जमा बिल्कुल ना होने दें, मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। स्टे होम स्टे सेफ, आपका आई कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अप्लाई करने की भी मैं ऐसी सरप्राइजिंग रेमेडी आपको एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आपको चश्मा लगा हुआ है, चश्मे की ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है, ऊपर आई बटन में मैं दे रही हूँ, आपकी आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी, आपका चश्मा उतर जाएगा। और आई एक्सरसाइज की रेमेडीज़ भी ऊपर आई बटन में दे रही हूँ मैं, उन्हें आप जरूर चेकआउट कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बनता है। और हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्पफुल होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी वीडियो बार बार देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट भी उससे भी ज़रूरी है। इससे पहले आप तो मुझे कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि किन टॉपिक्स पर आपकी वीडियो देखनी है और मेरी रेमेडीज़ आपको वर्क कर रही हैं नहीं, मतलब कितना वर्क कर रही हैं, तभी मेरे लिए हेल्पफुल होगा और मैं अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपके लिए और लेकर आऊँगी, जो भी रेमेडीज़ आपके लिए वर्क करती हैं। और टॉपिक भी बताइए, टॉपिक बताएंगे तो अलग अलग आपको रेमेडीज़ देखने को मिलेंगी, वीडियो देखने को मिलेंगी, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी मेरे लिए भी। ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। स्टे होम स्टे सेफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी देखें वीडियो को, तभी पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि मुझे इस रेमेडी से बेनिफिट नहीं मिले। जब चेहरे पर हमारे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो जाहिर सी बात है कि चेहरे में कुछ बदलाव भी नजर आएंगे। जब चेहरे पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो आंखों के नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होने की समस्या हो जाती है, जिसे डाइसलिपिडेमिया कहा जाता है। यह LDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। आंखों के नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण जैसे डायबिटीज़, लीवर संबंधी, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता जाता है और आनुवंशिकता का कारण भी हो सकता है। आंखों के नीचे कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण खूबसूरती कम हो जाती है, इसलिए आप कुछ घरेलू उपायों यानी होम रेमेडीज़ के द्वारा इसे कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आँखों के नीचे जमा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के क्या उपाय हैं, मतलब क्या होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, कुछ घरेलू उपायों के द्वारा इनसे निजात पाई जा सकती है। लहसुन, लहसुन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, साथ ही लहसुन के पेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्जियों में फ्राई करके किसी भी फॉर्म में खाएं जरूर लें, या आप इसे खाली पेट एक या दो कली आप इसे हल्का सा चबा लें और पानी के साथ ले लें, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। उसके बाद है आंवला। आंवले में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे यौगिक्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। आंवले का सेवन करने से बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी LDL कम होता है। इसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक और हाइपोलिपिडेमिक का प्रभाव होता है। आंवले का प्रयोग करने के लिए आपको पानी में उबाल कर आपको खाली पेट पीना है, मतलब एक से दो पीस आंवले के ले लें, उसे छोटे छोटे पीस में कट करके बॉयल करके आप डेली खाली पेट पिएं, ज़बरदस्त बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नट्स का प्रयोग हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, सूखे मेवे बहुत फ़ायदेमंद हैं जो हृदय को जोखिम से बचाते हैं। नट्स में आपको बादाम, अखरोट, मूंगफली, पिस्ता आदि लेने हैं। इन सूखे मेवों में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन सी से युक्त भोजन करें, मतलब विटामिन सी आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है, यह कोलेस्ट्रॉल का स्तर को सामान्य रखता है। उसके बाद है मछली का तेल यानी फिश ऑयल। मछली के तेल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, सैल्मन, सार्डिन, टूना, जो रक्त में वसा की मात्रा को कम करने में हेल्प करता है, मदद करता है। इसके अलावा हृदय रोग के जोखिम से आपको बचाता है। रोजाना मछली के तेल का सही मात्रा में उपयोग करें, हाई कोलेस्ट्रॉल से बचे रहेंगे। और हाई कोलेस्ट्रॉल तो फिर आपका होगा ही नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा बॉडी में तो उसी की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। ओट्स का प्रयोग, वजन कम करने के लिए लोग नाश्ते में यानी ब्रेकफास्ट में ओट्स का प्रयोग करते हैं। ओट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें घुलनशील फाइबर होते हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाते हैं। रोजाना इसे आप खाएं, दूध में भी आप इसे मिक्स करके खा सकते हैं। यदि आपको दूध में अच्छे नहीं लगते, आप इसमें फ्रूट्स या
नट्स वगैरह भी डाल कर खा सकते हैं। ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर कर देगा। नारियल का तेल, नारियल के तेल में लोरिक एसिड होता है, यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके लिए आपको एक चम्मच कार्बनिक नारियल ऑयल, आपको सिर में लगाने वाला स्किन वाला ऑयल नहीं लेना है, फूड ऑयल लेना है नारियल का, भोजन में आपको यूज़ करना है, क्योंकि नारियल के तेल को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। आपको जो नॉर्मल जो स्किन के लिए यूज़ होता है वो वाला नारियल तेल बिल्कुल नहीं लेना है। आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। सेब का सिरका, सेब का सिरका बहुत सी बीमारी के लिए जोखिम करने में मदद करता है, बीमारियों के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा सेब का सिरका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट व प्रभावशाली गुण मौजूद होते हैं। सेब का सिरके को एक चम्मच लें और पानी में मिलाकर इसका सेवन करें। इस प्रक्रिया को आप कम से कम एक महीने तक दोहराएं। सेब का सिरका स्वाद आपको पसंद नहीं आता है तो आपको इसमें कुछ फल का रस मिला लें तो इसका उपयोग करें, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उसके बाद है धनिया का बीज। धनिए का उपयोग शुगर को कम करने के लिए किया जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं। धनिए के पानी से वेट लॉस भी तेज़ी से होता है, एक गिलास धनिए का पानी वेट लॉस के लिए ज़रूर पिएं। आई कोलेस्ट्रॉल उससे कैसे कम किया जाता है उसकी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। एक कप या एक गिलास पानी में दो चम्मच धनिया पाउडर या धनिया के बीज ले लें और उसे अच्छे से बॉयल कर लें। उबालने के बाद उसे ठंडा करके पी लें। यदि आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें दूध, चीनी या इलायची कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं जिससे आप अच्छे से पी सकें। प्याज, प्याज औषधीय गुणों से भरपूर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लाल प्याज को कोलेस्ट्रॉल कम करने का सबसे घरेलू अच्छा उपचार माना गया है। यह हृदय रोग को भी कम करता है, यानी हृदय को स्वस्थ रखता है। प्याज का उपयोग करने के लिए आप इसको शहद में भी मिला सकते हैं, यानी प्याज का रस 2 से 3 चम्मच निकाल लिया, उसमें आपको एक चम्मच शहद मिला लेना है और डेली पीना है। प्याज और शहद के मिश्रण को रोजाना पीने से आपका दिल स्वस्थ रहेगा और आपको आई कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल आपके निशान चले जाएंगे। इसके अलावा प्याज को काली मिर्च डालकर सूप बनाकर भी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। छाछ में भी, हाँ छाछ के रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, छाछ के साथ मिलाकर भी इसको ले लें, आपके लिए वही बेनिफिट्स होंगे। अदरक लहसुन को शामिल करके भी प्याज के रस के साथ ले सकते हैं। आइए मेरी सरप्राइजिंग रेमेडी की बारी। अब मैं आपको बताऊंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप इनको निशान को, आई कोलेस्ट्रॉल के निशान को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप ये कहेंगे मैम आपने ये तो बता दिया कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें, आई कोलेस्ट्रॉल चलो धीरे धीरे ठीक हो भी जाएगा, बट इसके निशान बहुत टाइम में जाते हैं, तो इसको अप्लाई करने के मैं आपको उपाय बताऊंगी। सबसे पहले है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को आप अपनी आईज पर कॉटन से लगा लें या ईयरबड से, जो ईयरबड आती हैं उसमें आप हल्का सा डिप करके कैस्टर ऑयल में डेली लगाएं। आपको 10 से 15 डेज में ही बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आप इन पे लगाएंगे। ध्यान से लगाना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा डिप करें, यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी आईज में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर ही लगाना है जो आपके आई कोलेस्ट्रॉल के निशान है। उसके बाद है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट आपको बिल्कुल महीन बना लेना है, बारीक बना लेना है, और उसका आपको बर्ड्स की सहायता से ही जैसे कैस्टर ऑयल लगाया था ऐसे ही लगाना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको भी अपनी आई पे आपको लगाना है जहाँ जहाँ आपके निशान है, आई को बचाते हुए बिल्कुल सेफ करके। जी जी, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब एक और रेमेडी आपको अप्लाई करने की बताती हूँ, वो भी ज़बरदस्त बेनिफिट्स देने वाली है। आपको क्या करना है, आपको फ़िश ऑयल लेना है। फ़िश ऑयल भी आपको कॉटन की सहायता से लगाना है। आप कॉटन से भी लगा सकते हैं पर पतली सी लें, यदि आपके पास ईयरबड नहीं है तो बिल्कुल पतला सा बना ले, बिल्कुल आईज को बचाते हुए आपको उसी प्रकार से लगाना है जैसे पीछे पीछे दो रेमेडी मैंने आपको बताई हैं। आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको 10 से 15 डेज में ही फ़र्क लगने लगा है, आपके निशान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्किन एकदम ब्राइट हो जाएगी और सुंदरता आपकी बरकरार हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड फैमिली के साथ जिससे वो भी बेनिफिट्स उठा सके। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इसे आपको ऑल पे सेट करना है। जी हाँ, तभी आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी, अच्छी हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलेगी। स्टे होम स्टे सेफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।